ईच पेयर विद द सी, ओके। तो उस तरह का कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, अगर कंप्लीमेंट्री नहीं है तो चाह के भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे पाली ए और पाली टी टेल जोड़ देते हैं, ठीक है। अनदर एंजाइम इज द डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कहां पे डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन इस एंजाइम का भी यूज करते हैं हम इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज द डीएनए एज अ टेम्पलेट ऑन विच डीएनए इज सिंथेसाइज। डीएनए के टेम्पलेट पे क्या होता है, डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। दे आर द सेवरल टाइप द बट इन द फील्ड ऑफ द जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जहां पे हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, दे आर द डीएनए पॉलीमरेज वन ऑफ द इकोलाई एंड लेमडा डीएनए पॉलीमरेज। लेमडा डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेंड फ्रॉम द लेमडा फेज, ओके। तो दो इकोलाई से एक लेमडा डीएनए पॉलीमरेज। देखो जो इकोलाई का डीएनए पॉलीमरेज होता है, इट हैव द थ्री सब यूनिट, इट हैव द थ्री सब यूनिट यूनिट इट हैविंग द फर्स्ट यूनिट इज द 5-3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। 5-3 मतलब 5-3 क्या करता है, सिंथेसाइज करता है डीएनए को। इट आल्सो हैव द एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी 5-3-5-5 को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, और 3-5 ये क्या कर लेता है, डाइजेस्ट करने की भी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी रखता है। This polymerase is responsible for the proof reading as well as the addition of the nucleotide sequence. ये क्या करता है? ये तो proof reading का भी काम कर लेता है, कहीं कोई गलत nucleotide base तो attach नहीं है पूरे DNA fragment में, that is called as the proof reading. जैसे हम कोई चीज लिखते हैं तो फिर एक बार read करते हैं, proof reading करते हैं, ताकि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो DNA जो synthesize हुआ हो सकता है कहीं mismatch, गलत पेयर अटैच हो गया हो, तो दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रूफ रीडिंग एज वेल एज द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कहीं बीच बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़े हैं या गैप क्रिएट है, तो वहां पे क्या कर लेता है, इट द एड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लाइक दैट। जब हमने कहा कि पाली ए और पाली टी टेल जोड़ देते हैं स्टिकिंड में जब कम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो वहां पे तो बाकी जो जहां कम्प्लीमेंट्री नहीं वहां सिंगल स्टैंड रह जाएगा, तो वहां क्या कैसे काम करेगा, तो वहां पे एक स्टैंड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके इस गैप को फिल कर देते हैं। अभी आते हैं थोड़ी देर में। आरएनए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे डीएनए पॉलीमरेज की। हेलो, हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि इट हैव द थ्री सब यूनिट 5-3 पॉलीमरेज, 5-3 एक्सोन्यूक्लियेज, 3-5 एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये काम करता है प्रूफ रीडिंग एज वेल एज द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ओके। तो डीएनए पॉलीमरेज वन ऑफ द ई कोलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए which are the deleted by the 5-3 exonuclease activity. जो fragment add करता है, attach करता है, जो single stranded, that fragment is called as the Klenau fragment. That is known as the Klenau fragments. Klenau. That is. है यार. That is known as the Klenau fragment. एक दो और भी छोटे मोटे एंजाइम है लाइक दैट RNase, which is responsible for the cleaving or cutting phosphodiester bond present in between two adjacent ribonucleotide. ठीक है, दो ribonucleotide के बीच में जो फास्फोडाइएस्टर बांड होते हैं उनके ब्रेक करने का, कट करने का एक काम करता है। एक है
एक और एंजाइम जो बहुत यूज किया जाता है, दैट इज द बीन न्यूक्लिएज आर S1 न्यूक्लिएज। बीन न्यूक्लिएज का जैसे नाम ही बता रहा है, दैट आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेगुमिनस प्लांट या फ्रेंच बीन्स होती है, उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दिस इज द बीन न्यूक्लिएज। S1 न्यूक्लिएज इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एस्परजिलस ओराइजी, एक फंगस है एस्परजिलस, उससे क्या किया जाता है, इसको आइसोलेट किया गया है। आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीटिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूजुअली इन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, वो वायरस के हों या हम आरएनए से जो सिंथेसाइज करते हैं बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो भी क्या होता है, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीटिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूजुअली इन द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। डीएनए केवल कहां एक्शन करेगा, इट इज द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, वो चाहे 5' पे करे या 3' पे करे। जो जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं उनकी क्या खासियत है, देख चुकी है, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए की क्या प्रॉपर्टी है, वो डबल स्ट्रैंडेड होने की कोशिश करता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाता है तुरंत क्या कर लेता है, पेयर कर लेता है अपने को ही, सिंगल स्ट्रैंड को पेयर कर देता है। तो जो बाकी बनते हैं जो डीएनए हम सिंथेसाइज करते हैं उनमें, इसको रिमूव करने के काम में भी S1 न्यूक्लिएज काम करता है। So this is all about the R type of the enzymes used in the field of the genetic engineering. That is the पढ़ा किसको किसको, restriction endonuclease, DNA lipase, alkaline phosphatase, exonuclease, endonuclease, S1 nuclease, bean nuclease, RNase, ठीक है, तो reverse transcriptase, सबके बारे में आपको हमने बताया। किसी के बारे में कभी भी कुछ पूछा जाए आपसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में तो सॉरी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के बारे में तो आपको पूछा ही जाएगा, लाइगेज के बारे में भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ये तो दो मेजर एंजाइम थे, इनके अलावा ये जो माइनर एंजाइम है इनके बारे में भी हमने आपको सबकी प्रॉपर्टीज बताया, किसका क्या क्या काम, ठीक है। तो दीज आर द टूल्स, ये एंजाइम्स क्या थे,